Let's do question number 28th of exercise 6A, that is coordinate geometry. Question number 28 is show that the point A, B, C, D are the vertices of rhombus, find its area. हमें ये show करना है, ये सारे points vertices हैं rhombus के और उसका area निकालना है. चलिए कैसे निकालेंगे? A point दे रखा है 3, 0 and B point दे रखा है 4, 5. तो सबसे पहले हम अपना rhombus बना लेते हैं. ये हमारा A point है, B है, C है और D है. और हमारा A point दे रखा है हमें 3, 0, B दे रखा है 4, 5, C point दे रखा है हमें -1 and 4, और D point दे रखा है हमें -2 and -1, right? तो अब हमें rhombus proof करना है. Rhombus के लिए हमारी sides equal होनी चाहिए और हमारे diagonal unequal होने चाहिए, तभी वो rhombus proof होगा. तो हम उसके लिए सारी sides की length निकाल लेते हैं. तो हमने AB निकाला. AB क्या हुआ? देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो 4 में से minus हुआ 3 का whole square plus 5 में से 0 माइनस हुआ का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 4 में से 3 गया इज 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 1 + 5, 5 = 25. तो AB आ गया हमारा √26 यूनिट, राइट? अब इसी तरीके से हम BC निकालेंगे. तो BC कैसे आएगा? देखिए ये अब x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. तो -1 में से माइनस करना है 4, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस हुआ 5 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? देखिए -1 - 4 - 5 हो गया. तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 गया माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का 1 बच गया. तो आ गया -5 - 5 = 25 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो BC कितना आ गया हमारा? दैट इज आल्सो 26 √26 यूनिट्स. अब इसी तरीके से CD निकालेंगे. तो CD क्या आएगा हमारा? देखिए अब x1 y1 x2 y2, तो -2 - -1 - 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से -1 - 4 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा, देखिए कितना आ गया, -2 - -1 + 1, तो -1 बच गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ -1 - 4 दोनों माइनस के आपस में ऐड हो गए, तो -5 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया -1 - 1 - 5 = 5. तो CD आ गया हमारा √26 यूनिट्स. अब इसी तरीके से हम DA निकाल लेंगे. तो DA कितना आया? देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? देखिए 3 - -2, तो 3 + 2 = 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए 0 में -1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 5 + 5 = 25 + 1, तो DA आ गया हमारा √26 यूनिट्स, राइट? अब हमारी सारी साइड्स तो इक्वल आ गई हैं. अब हमें डायगनल देखने हैं. तो डायगनल के लिए किस किस को निकालेंगे हम? एक तो AC निकालेंगे, AC एक डायगनल हो गई, और एक हम BD निकालेंगे, राइट? तो हमने AC निकाला. AC कैसे निकालेंगे? देखिए A x1 y1
और सी है एक्स टू वाई टू, तो माइनस वन में से माइनस हुआ थ्री, माइनस वन में से माइनस हुआ थ्री का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे अब फोर में से माइनस हुआ जीरो, तो प्लस फोर में से माइनस हुआ जीरो का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपको समझ ना आए, ए सी के लिए हमने एक्स वन माना है, देखिए एक्स वन माना है थ्री और ज़ीरो को, थ्री को एक्स वन, वाई वन माना है हमने ज़ीरो को, और एक्स टू माना है हमने माइनस वन, और वाई टू माना है हमने फोर को, राइट। तो हमारा ये कितना आ गया, अब देखिए माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर का होल स्क्वायर, प्लस फोर में से जीरो गया फोर का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, फोर फोर जो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, तो ये आ गया रूट थर्टी टू। अब रूट थर्टी टू कैसे निकालेंगे, थर्टी टू का स्क्वायर रूट निकाला, टू वन जो टू, टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू एट जो सिक्सटीन, टू फोर जो एट, टू टू जो फोर, तो देखिए फोर बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर रूट टू यूनिट्स लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट डायगनल निकालेंगे, दैट इज बी डी। तो बी डी कैसे निकाला हमने, बी का है फोर फाइव, यहाँ पे लिख रही हूँ बी है फोर फाइव, और डी है हमारा माइनस टू एंड माइनस वन, तो एक्स वन हो गया फोर, वाई वन हो गया फाइव, एक्स टू हो गया माइनस टू, और वाई टू हो गया हमारा माइनस वन। तो चलिए करते हैं एक्स टू, दैट इज माइनस टू में से माइनस हुआ फोर का होल स्क्वायर, प्लस माइनस वन में से माइनस हुआ फाइव का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस टू माइनस फोर, माइनस सिक्स हो गया, तो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस वन माइनस फाइव इज माइनस सिक्स अगेन का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स, तो ये कितना आ गया बी डी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ सेवेंटी टू। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं सेवेंटी टू का, तो टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू नाइन ज़ा एटीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, देखिए एक थ्री और एक टू निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सिक्स रूट टू यूनिट्स। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ स्क्वायर रूट ज़रूर देखें उससे पहले। तो अब देखिए एक हमारी डायगनल आ रही है सिक्स रूट टू और दूसरी डायगनल आ रही है फोर रूट टू यूनिट्स, तो इसका मतलब हमारी ए बी साइड्स तो इक्वल थी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू डी ए, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो हैंस अबव पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस, अबव पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस। अब हमें ये रॉम्बस प्रूव हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया होता था हाफ इंटू डायगनल वन, डायगनल थी ए सी और दूसरी डायगनल थी बी डी, तो ए सी की लेंथ कितनी आई हमारी, ए सी की लेंथ आई फोर रूट टू, फोर रूट टू, और बी डी की लेंथ आई हमारी सिक्स रूट टू। तो देखिए टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो सिक्स टू ज़ा कितना हो गया, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, रूट टू इंटू रूट टू इज़ टू, तो ये कितना आ गया ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट इज़ द आंसर।